नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड में सबको ज़रूरत है हीटर का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुराना हीटर है लेकिन उसको वो चला नहीं सकते हैं क्योंकि वो ख़राब है। तो इसको रिपेयर कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पे पुराने हीटर को कैसे बना सकते हैं और ठंडी से राहत कैसे पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हमारा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं कि ऐसे जो हीटर है तो इसका जो फिलामेंट होता है वो कहीं से शॉर्ट हो जाता है, जो कि आपको पकड़ में नहीं आता है। अगर नहीं है तो वायर सबसे पहले चेक कर लें, लेकिन वायर नहीं ख़राब होता है, फिलामेंट ही ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम फिलामेंट इसको चेक करेंगे और मार्केट से आप इस तरह का आपको मिल जाएगा फिलामेंट, जैसे कि अलग अलग रेंज का होता है, 40 में भी मिलता है और 100 में भी, 200 में भी, 250 में भी, जैसे लीजिएगा वैसे आपको मिलेगा। तो हमने मार्केट से अभी लेकर आया है ये, और सबसे पहले हम यहीं खोल करके और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या है यहाँ पे, आता है कि नहीं आता है, ये सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको हम खोल लेते हैं। तो आराम से इसको खोलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, और खोल करके और इसको हटा दीजिएगा। जैसे ही हटाइएगा तो ये आपको दिखने लगेगा, और यहाँ से आराम से आपको यहाँ पे जो है स्क्रू वाला, इससे खोल लेना है आपको। देखिए यहाँ से ये खुल जाएगा और आराम से इसको भुलाना नहीं है और खोल लीजिएगा इसको। तो चलिए खोल करके हम फिर आपको आगे बढ़ाते हैं, और आराम से किसी अच्छे कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे ताकि गर्दा ना रहे इसमें। यहाँ पे एक नोट है, नोट को खोने ना दें क्योंकि इसी नोट से बाद में कटना है। ये हमने फ्रेश कर लिया है और उसके बाद इसको फिर पुनः कस देंगे। कसेंगे कैसे, आराम से इसको इसमें डालेंगे और फिर इसको इसमें डालेंगे और इस नट को लगा करके कस देंगे। आराम से कसेंगे कि टेढ़ा ना हो, कोई टूटे नहीं। तो यहाँ हमने इसको लगा दिया, फिर इसी तरह से इस साइड भी इसको लगा देंगे। तो चलिए आगे लगा कर दिखाते हैं हम आपको, दोनों का दोनों कस देते हैं और इसको आराम से इसे पूरा टाइट कर देंगे। और टाइट करते समय ध्यान रखेंगे कि ये टूटे नहीं, यहाँ पे रख करके इसको टाइट करेंगे। और देखिए दोनों को सिरा इस टाइप का रखेंगे ताकि आपको धा प्रॉपर आए। उसके बाद इसको रख देंगे कि शॉर्ट ना करे, कोई कीड़ा फटिंगा यहाँ पे ना जाए, और इसको फिर जैसे था वैसे इसको लगा करके कस देंगे इसको। तो चलिए इसको लगा करके कस देते हैं, इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि कुछ इसमें पड़ने या किसी कारणवश शॉर्ट होने का भय न रहे। बेसिकली इसका कोई काम नहीं होता है, बस यही रहता है कि कोई अगर लड़का यहाँ पे टच है तो उसमें ना जाए क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद करंट लगता है। तो फाइनली हमारा ये बनकर तैयार हो गया है, इसको आप टेस्ट करेंगे लाइन में डाल के कि क्या होता है और क्या इसका रिजल्ट आता है। तो चलिए हम टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली प्लग में लगाएंगे इसको और यहाँ पे ऑन करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए ये लाल होना शुरू हो गया, यहाँ से धा भी आ रहा है अच्छा खासा, अब एक चल रहा है। इसको हम ऊपर करेंगे, इसका स्विच है पीछे, तब ये दोनों का दोनों रेड होना शुरू हो गया। जैसे देख सकते हैं हम, नीचे वाला भी रेड होना शुरू हो गया है और दोनों धा दे रहा है। ये प्रॉपर आप
यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि घर पे अपने हीटर को कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।